नमस्कार, मैं हूँ सुनीता छेत्री। सुनीताज फैमिली किचन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वीडियो में देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज। तो चलिए इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। और ये मैं शादियों में बनने वाला फ्रेंच फ्राइज बना रही हूँ। मैंने ये 6 से 7 आलू लिए हैं और इसको मैंने अच्छे से धो लिए हैं। अब लेंगे एक बड़ा बॉल और उसमें हम डालेंगे पानी और फिर उसके बाद हम आलू को काटना शुरू करेंगे लंबाई में। और ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, घर के लिए, तो इसलिए मैं कोई भी इसका वेस्टेज नहीं करने वाली हूँ। और अगर आप कभी पार्टी के लिए या किसी और फंक्शंस के लिए बना रहे हैं तो आप इसके टॉप के हिस्से को निकाल दीजिए और साइड के हिस्से को निकाल के और इसको एकदम इक्वल साइज में इसे काट लीजिए। तो ये देखिए, मैंने एक को 2 हिस्से में करके काट लिया है और अब एक ये मोटा आलू है तो इसके मैं कर रही हूँ 3 हिस्से और इसको बिल्कुल फिंगर्स की तरफ पतले पतले से हम काट लेंगे। तो जब भी इसे काटें आप तो इसे पानी में ज़रूर डालें जिससे कि आलू काले ना पड़े। तो ये देखिए, मैंने सभी आलू को काट के तैयार कर लिया है और ये देखिए पानी में डालने से ये काले नहीं हुए। अब मैंने अच्छे से पानी इसका निकाल लिया है और कपड़े से पोंछ लिया है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक और मिर्ची पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा लेंगे येलो फूड कलर और थोड़ा सा लेंगे हम ऑरेंज फूड कलर। तो अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की मात्रा हमें फिक्स नहीं रखनी है, बस पूरे आलू में ये कोट हो जाना चाहिए। कॉर्नफ्लोर डालने से हमारे फ्रेंच फ्राइज बहुत ही अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि मैं ये तुरंत ही बना रही हूँ अभी, तो इसलिए मैंने नमक पहले डाल दिया है। और अगर आप बनाने में थोड़ा सा आपको लेट हो जाए तो आप इसमें नमक पहले ना डालें, और क्योंकि पहले नमक डालने से इसमें पानी छोड़ने लगता है। तो ये मैं तुरंत ही फ्राई कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके हम सारे फ्रेंच फ्राइज को तेल में डाल देंगे और तेल भी अच्छा गर्म हो जाना चाहिए इसके लिए। और अच्छे से उलटते पलटते हुए मैंने ये एक बैच फ्राई कर लिया है और ये सभी को हम निकालेंगे। और इस समय मैंने इसको 80% फ्राई किया है, इसे मैं दोबारा से फ्राई करूँगी। तो ये देखिए, मैंने सेकंड बैच भी इसमें डाल दिया है और सेकंड बैच भी मेरा ये अच्छे से फ्राई हो गया। तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं हम। जब भी आप फ्रेंच फ्राइज को तेल से निकालें तो थोड़ी देर उसका पूरा तेल निकल जाने दें, उसके बाद आप उसे प्लेट में डालें। जब भी आप फ्रेंच फ्राइज को एक बार फ्राई करेंगे तो उसमें तेल बहुत दिखाई देगा, उसके बाद जब दोबारा इसे फ्राई करेंगे तो उसमें तेल बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये देखिए, सभी मैंने फ्रेंच फ्राइज एक बार फ्राई कर लिए हैं। तो ये थोड़े ठंडे हो गए हैं, तो चलिए इसे डबल फ्राई कर लेते हैं। और डबल फ्राई करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। और मॉनसून सीजन हो, बाहर बारिश हो रही हो और अंदर घर में बैठे बच्चे डिमांड करते हैं कि कभी ब्रेड पकौड़े बनाइए, कभी फ्रेंच फ्राइज़ बनाइए, कभी समोसे बनाइए, तो बस अपने बच्चों को अलग अलग तरह की डिश बना के आप प्रेजेंट करिए तो बच्चे भी खुश और आप भी खुश। तो ये देखिए, मैंने सेकेंड बार का भी फ्राई कर लिया है। थोड़ा थोड़ा करते हुए मैं सभी फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए, देखने में भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और इस तरह से ये शादियों में बनाए जाते हैं। और अगर आप सिंपल बनाना चाहते हैं तो सिंपल भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया ये फ्रेंच फ्राई हो गए हैं तैयार। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए तोड़ के कितना क्रंची हो गया है, एकदम क्रिस्पी। ये देखिए, बहुत ही अच्छी इसमें से आवाज़ आ रही है। और ये देखिए, मैंने प्लेटिंग कर दी है और साथ में ऊपर से डाल दिया मैंने चाट मसाला और साथ में है टोमेटो सॉस। बस अब देर किस बात की, आप भी जल्दी से बनाइए फ्रेंच फ्राइज और अपने बच्चों को मॉनसून सीजन में खिलाइए। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।